जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, पप्पन बटागप्पन भाग दो। अब तक आपने सुना, पप्पन बतौर गाइड लोगों को पनपन शहर की गलियां घुमा रहा था। जब यात्रा खत्म हुई तो गप्पन वहां पहुंच गया। उसने पर्यटकों को बताया कि सबसे खास जगह, जिसे खूनी डब्बा कहते हैं, वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आखिर कमाई का रास्ता पप्पन और गप्पन के लिए खुल गया। जब अंधेरा होते होते सब वहां पहुंचे तो पप्पन और गप्पन रेल के डब्बे के अंदर कुछ डरावना देख चिल्लाने लगते हैं। अब आगे की कहानी। दो लाल आंखें सीधे डब्बे से पप्पन और गप्पन को देख रही थी। दोनों मानो बौखला से गए, चीख चीख कर माहौल ही दहला देने वाला बना दिया। गनीमत थी पर्यटक दल में कुछ महानुभाव हिम्मती थे और भय के इस माहौल में भी सरपट दौड़े नहीं। किसी तरह खींचते खांचते पप्पन और गप्पन दोनों को अस्पताल लाया गया। कोई कहे चप्पल सुंघा दीजिए, मिर्गी है, तो कोई कहे बौरा गए हैं दोनों, भूत चढ़ गया है और अब बाबा की जरूरत पड़ेगी। अस्पताल के डॉक्टर भगवान की तरह लगे पप्पन और गप्पन को। अरे कम से कम उन ऊल जलूल सुझावों पर काम तो ना हुआ, नहीं तो बबलुआ तो एकदम तैयार था अपनी घिसी चप्पल सुंघाने को। डॉक्टर साहब की सलाह पर दोनों को एक कमरे में लिटाया गया और दो दो सुइयां गोद दी गई। चौधियाई सी आंखों से जब दोनों थोड़ा संभले तो पनपन शहर के खास लोगों ने दोनों को घेर लिया। क्या हुआ भैया, आज तो गजबे हो गया। हमको लगा वो लंगड़ा भूत आप पर चिपट गया। हमारी और गुड्डू की तो दो दो सौ की लग गई। 200 नहीं 300, देख लेना कौनो एक तो है अब लंगड़ा कर ही चलेगा। गुड्डू भैया मुंह में पान दबाए बोल बैठे। पान के कुछ छींटे बोलते वक्त गुड्डू भैया पप्पन पर बरसा गए। पहले कुछ देर तो पप्पन और गप्पन दोनों अजीब सी हालत में सबका चेहरा ताकते रहे, जैसे कोई मस्त सपना देख रहे हो। फिर जैसे उस रेल के डिब्बे की याद आई तो दोनों दीवार के सहारे दुबक कर बैठ गए। गप्पन इज्जत बचाना चाहता था तो सरक के धीरे से पप्पन के कान में फुसफुसाया, बड़ा कहानी बताना है कि छोटा? अरे नहीं तो ये सब लोग हमारा मजा लेंगे, समझे? इस पर पप्पन ने आंखों में इशारा किया और हिम्मत जुटा, बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। अरे जो रेल की बात है, अरे वो सच है। हम दोनों सड़े गड़े लोगों को उस रेल के डिब्बे में देखे। किसी की आंखें बाहर लटक गई थीं, तो किसी का मुंह ही आधा टूटा हुआ था। एक औरत तो हमको अपनी तरफ बुला रही थी, पर हम लोग इससे बिल्कुल भी डरे नहीं, क्यों गपनवा? अरे हाँ बिल्कुल सही, हम डरे तब जब वो लोग अचानक हवा में उड़ने लगे और हम तक अपनी आवाज पहुंचाने लगे। अरे कहने लगे मानव मांस चाहिए और यही दो मनुष्य खाने योग्य हैं, क्योंकि सबसे ताकतवर और बुद्धिमान यही दिख रहे हैं। कुछ ही देर बाद बस हम उनकी लाल आंखें ही देख पा रहे थे। कह रहे थे हमारा सफर पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, थोड़ा भोजन जरूरी है, क्योंकि हम दोनों ही उनका टारगेट थे। हमें बाबा दमदमा की याद आई। अरे वो कहे थे कि ऐसी परिस्थिति में बस जोर जोर से चिल्लाना, ऐसा करने से जगह अपवित्र हो जाती है और भूत अपना शिकार नहीं कर पाता। गप्पन ने कहानी को तिल से ताड़ बना दिया। हाँ बिल्कुल यही हुआ, हम दोनों इस तरह डूब गए कि डर को हमारा शरीर ही दर्शाने लगा, भूतों पर हम हावी हो गए। फिर थोड़ा असर तो था उनका, यहां तक वो आए इस फिराक में कि हम चूकें और वो हमें निगल लें। पर हम दोनों भी क्या कोई आम आदमी हैं? अरे डिटेक्टिव बुमराह खुद भी आज वहां होता
तो रोते बिलकते हमारे सामने बैठ जाता। हम दोनों आज उसके गुरु बन जाते। शहर के लोग इस कहानी को सुन सदमे में चले गए, जहां खूनी डब्बे की बात के साक्षी पप्पन और गप्पन उनके सामने थे, वहीं दोनों ने अपनी दिलेरी का प्रचार चहुओं ओर किया। पनपन में अब वो दोनों किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। लोकल अखबारों में भी खूनी डब्बे को लेकर चर्चा शुरू हो गई। धीरे धीरे इस कहानी को हवा मिलती गई और मीलों दूर इस कहानी की चर्चा होने लगी। कुछ मीडिया वाले तो यहां भी आ धमके और पप्पन और गप्पन के इंटरव्यू भी होने लगे। पनपन में लोग आज भी कई साल पुराने ट्रेन में सफर करने आते हैं। खूनी डब्बा, मरे हुए लोगों का घर, बुलाते हैं वो क्योंकि उनको चाहिए दोस्त जो उनकी यात्रा में सहभागी बन सके। दो टूरिस्ट गाइड हुए साक्षी कई साल पहले मरे हुए लोगों को देखने के। मीडिया की हेडलाइंस इतनी जबरदस्त थी कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा पनपन शहर में। हर कोई पप्पन और गप्पन को ही अपना गाइड चुनना चाहता। जहां कभी 4,000 में सर्विस दी जाती थी, अब सीधे 15,000 रुपए लिए जाने लगे। पर टूर्स अब दिन में ही होते थे, शाम 6 बजे से पहले ही समापन की घोषणा हो जाती और सिर्फ 100 मीटर की दूरी से ही खूनी डब्बे को देखा जाता। शहर के लोग भी सूरज डूबते डूबते उस रास्ते से दूर कट लेते जो डब्बे की ओर जाता था। चाहे कोई कितने भी रुपए देना चाहता, पप्पन और गप्पन को पता था, उन्होंने 2 लाल आंखें देखी थी और इतना सच तो उनको पता था। इसी तरह 25 दिन बीत गए और पनपन शहर आकर्षण का केंद्र बन गया। आज शाम दोस्तों की टोली जमी थी। भैया समझ लीजिए, उस दिन बस अंधेरा हुआ ही था कि अजीब सा शोर हर ओर पसर गया। अरे आते आते थोड़ी देरी हो गई हमें। हम भी एकदम मुस्तैद अपनी तेज तर्रार आंखों से चारों ओर देखने लगे। लगा कुछ लोग बस सामान लिए हमारे पीछे से गुजर गए। हम समझ गए वही मरे हुए लोग ट्रेन में चढ़ने जा रहे हैं। अरे उनके हिसाब से टाइम हो गया होगा ट्रेन में चढ़ने का। राजू के चेहरे पर सच हो ना हो डर जरूर था। अरे बिल्कुल सही, हमारे साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ। साइकिल पर आ रहे थे और चैन उतर गई। जल्दी जल्दी हम चैन लगाने लगे कि एक औरत को सामने खड़ा देखा, पुरानी अटैची हाथ में लिए, कहती बच्चा बोगी से उतर कर कहीं दौड़ गया है, बाबू देखे हैं। हम भी डरे नहीं, अरे बोल दिए दाई ओर गया है आपका लड़का। जैसे ही वो उस ओर गई हम सरपट निकल लिए। छोटू ने नहले पे दहला दे दिया और अपनी शर्ट की कॉलर को ठीक करते जोशीले अंदाज में सबको देखने लगा। पप्पन कुछ पल छोटू को देखता, फिर कुछ पल राजू को। गप्पन लपक कर उसके करीब आ गया। ये दोनों तो बहुत ही गंगा में हाथ धोने लगे। अरे यही नहीं बाकी सब भी देखो अभी आगे क्या क्या होता है। पप्पन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, आप लोग हमारी तरह नहीं है, वरना धर लिए जाते। गप्पन अब गप्पे हांकने लगा। हमको तो पहले से ही पता रहा, उस डिब्बे को ऐसा ही खूनी डिब्बा नहीं बोला जाता। हमारे 4 मित्र कल दिल्ली से आ रहे हैं इस डिब्बे की कहानी को कैमरे में उतारने, आपकी फरमाइश किए हैं पप्पन भाई। अमित ने चाय से भरे कुल्हड़ को उठा लिया। अरे चले जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, भला हमसे बेहतर और कौन होगा जो इसका हाल बयां कर सके। पप्पन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अरे लेकिन पैसा तो पता है ना, दिल्ली के लोगों से 20,000। गप्पन ने मौके पर चौका दे दिया। अरे वो लोग 30,000 देगा, लेकिन यात्रा रात को चाहिए उनको। अमित की इस बात पर पप्पन भड़क गया। अरे पगला गए हो क्या, रात को तुम अपने फूफा के साथ ही जाना, हमारी गर्दन न कसो। अरे तो हम सब भी साथ चलेंगे ना। नहीं भैया फिर से ना हो पाएगा,
पप्पन एकदम अड़िग था। अरे तो कौन सा डिब्बे के अंदर जाना है, वो लोग दूर से ही शूटिंग करेंगे। अमित की इस बात ने गप्पन को जगा दिया। गप्पन तुरंत फुसफुसाया, 50,000 ले लेते हैं और पहले ही डरा कर सबको भगा देंगे। प्लान एकदम सेट है और डर के मारे सबका कलेजा वैसे ही बार होगा। एक दो बार चिल्लाए नहीं कि सब 9-2-11। पप्पन को भी पैसा कमाने का मौका मिल गया। 70,000 अगर इतना दें तो बात बने। पप्पन की चतुराई को देख गप्पन की आंखें खुली की खुली रह गई। अमित ने फट से कॉल लगाया और दिल्ली से आ रहे दोस्तों ने रजामंदी दे दी। अगली शाम सब के सब दांत दबाए चौड़ी आंखें किए पहाड़ी ढलान से उतरने लगे। दो चार लोग तो यहीं से दीदी और दादी करने लगे। हमारा हार्ट फेल हो रहा है, हम यहीं रुक कर सांस भर लेते हैं, आप लोग जाइए। टिंगू ने हथियार पहले ही डाल दिया। का बे, इतना में ही टांटा है फेस। कुछ लोग बचपन से हृदय से कमजोर होते हैं। अमित आगे बढ़ने लगा। दिल्ली के टीम में तीन लोग सच में हिम्मती थे, लेकिन चौथा व्यक्ति वैभव थोड़ा गड़बड़ा गया था। उस पर वहां का वातावरण इस तरह हावी हो गया कि आधा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। कहते कहीं और चलने को और वो चलता कहीं और। लास्ट लिमिट पर पहुंच पप्पन गप्पन ने यात्रा समाप्ति की घोषणा की। लीजिए यही लास्ट पड़ाव है, इससे आगे जाना मना है। अरे मतलब, अरे 70,000 रुपए सिर्फ यहां तक आने के? हमें शूटिंग करनी है भाई, सिर्फ घूमने नहीं आए हैं। राहुल ने किट ली और आगे बढ़ने लगा। अरे मृत्यु से भय नहीं है बाबू, एक बार दर्शन हो गए तो लोटा समेत दिल्ली की ओर लौट जाएंगे। कहना मानिए, यहीं से जो करना है कर लीजिए। पर शिव और केदार भी राहुल से सहमत थे। वैभव को तो कुछ समझ वैसे ही नहीं आ रहा था। दिल्ली की टीम आगे बढ़ना चाहती थी। अरे कहानी दोबारा बताएं, मरे हुए लोग वहां सफर करने आते हैं, जो जिंदा हैं उसको साथ लेकर चले जाते हैं। हम ही नहीं पूरा पनपन शहर इस डिब्बे के डर का शिकार है। पप्पन अपनी बात पूरी करता गप्पन कांपने लगा। पप्पन को लगा फिर से वही कांड तो नहीं हो गया, पर जब तिरछी निगाह से गप्पन ने इशारा किया तो पप्पन समझ गया। वो भी कांपती आवाज में डिब्बे की तरफ देख फटी आंखों से कुछ बुदबुदाने लगा। सबको कुछ समझ ही नहीं आया, पर डर उनको छूने लगा था। कुछ लोगों के पैर पीछे को जाने लगे तो कुछ पीछे को दौड़ ही गए। सबको यकीन हो गया, जरूर पप्पन और गप्पन ने फिर से ट्रेन के अंदर लोगों को बैठे देख लिया है और इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। राहुल थोड़ा भ्रमित हो गया, पर जब शिव और केदार जोर जोर से डर में चिल्लाने लगे तो सबको यकीन हो गया। खूनी डब्बा अब जाग उठा है। राहुल ने जब ध्यान से देखा तो पाया दो लाल आंखें सीधे उनको घूर रही हैं। जहां पप्पन और गप्पन एक्टिंग में लगे थे, कब सच में बौरा गए पता ही न चला। सब आओ देखे न ताओ, उल्टे पांव शहर की ओर दौड़ लिए। इस चीखम चिल्ली के बीच वैभव भाई तो पहले से ही डमाडोल थे, उल्टी तरफ दौड़ गए। अरे पहाड़ की तरफ नहीं, डिब्बे की तरफ। इस दृश्य को देख बचे कुचे लोग मुंह बाए पसीजी नजरों से वैभव को मौत के मुंह में जाते देखते रहे। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वैभव को सही रास्ते की ओर दौड़ने को कहे या फिर आगे दौड़ वैभव को बता दे। अरे भैया जिस ओर दौड़ रहे हो उधर से ही तो लोग लौट कर वापस जा रहे हैं। अत्यंत पेचीदा माहौल था। एक ने चीख लगाई पर आवाज इतनी धीमी थी कि वो खुद ही साफ से सुन लेते तो गनीमत होती। दौड़ा भागी में वैभव डब्बे के अंदर ही चली गए। फिर अचानक सन्नाटा हर ओर पसर गया। जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। अब क्या होगा? क्या अंदर से सिर्फ वैभव की हड्डियां ही बाहर आएंगी? अरे मांस तो वो मरे हुए यात्री खा जाएंगे ना, या कटा हुआ सर खून से लथपथ बाहर आ गिरेगा?
या फिर सब मरे हुए यात्री एक एक कर बाहर आएंगे और उनको घूरेंगे, बताएंगे वैभव भी अब यात्री बन चुका है। क्या होगा? हवा धीरे से सबके चेहरे को छू कर जाती और खूनी डब्बे के सच से आगाह कर जाती। किसी के सांस की आवाज भी सुन पाना मुश्किल था। फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने न की थी। अचानक एक कुत्ता चिल्लाते डब्बे से बाहर आ गया और दूम दबाए एक और निकल गया। सबके चेहरे पर हैरानी साफ थी। पप्पन को लगा कुत्ता भी मर गया था सालों पहले। पर जब वैभव वापस डिब्बे से निकला तो सबको दूर खड़ा देख पहले तो हैरानी में इधर उधर देखने लगा और जैसे उसे यकीन हुआ कि वो तो उल्टा मौत की गुफा में आ गया। जाना उसे उल्टी दिशा में था और वो आ गया उसी दिशा में जिधर नहीं जाना था। तो गिरता पड़ता लोगों की ओर दौड़ गया। राहुल ने वैभव को संभाला। अंदर क्या था? अरे कुछ भी नहीं, खाली था। वैभव की बात सुनते ही राहुल का दिमाग चल गया। तो लाला की कुत्ते की थी? राहुल ने आओ दिखाना ताओ सीधे कैमरा लिए रेल के डिब्बे में घुस गया। हर कोई मौन खड़ा रहा। जब कुछ ही देर में उसे भी वापस आते देखा तो सबकी सांस में सांस आई। खूनी डब्बे का सच अब सबके सामने था और हां पप्पन और गप्पन का भी। सच अब सूरज की तरह चारों ओर फैल गया। कुत्ते ने मचाया बवाल और पप्पन बटा गप्पन हुए बेहाल। खूनी डब्बा या कुत्तों का नया अड्डा, मरे हुए लोग या पप्पन बटा गप्पन के पैसों के भोग। जो हजामत शब्दों ने की पप्पन और गप्पन मुंह छिपाए घूमते रहे। पनपन शहर में अब दो सेलिब्रिटी कम हो गए। अरे उन पर जो डर की चादर थी उतर चुकी थी ना। बहादुरी की कहानी पप्पन और बटा गप्पन की जुबानी अब एक गली पनपन शहर में इस पर भी बन गई, जिसको पप्पन और गप्पन टूर के दौरान अक्सर छोड़ देते। तो जहां कुत्ते की दो लाल आंखों ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया, दो चालाक लड़कों ने पप्पन और गप्पन ने इसका फायदा उठा लिया। इसी के साथ इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।